अरे आप शिवानी जी, लगता है हमारा किस्मत जोरों पर है जो आप हमका फोन किया। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आप जानती नहीं हो शिवानी जी कि आप का कर डाली हो, हमारी तो बिना दशहरे की दिवाली हो गई। पर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पिछली दफा आप ही तो 2 महीने का मोहलत मांगी थी। अरे बाबा, वो 2 महीने की मोहलत मैंने शादी के फैसले के लिए मांगी थी, कोई दोस्ती तोड़ने को थोड़ी कहा था तुम्हें। ऐसा बात मत करिए शिवानी जी, दोस्ती टूटने का बात आप करेंगी ना तो हम खुद टूट जाऊंगा। रहने दो, अगर मेरी दोस्ती की तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो मुझसे मिलने तो आते। अरे मिलने नहीं आते तो कम से कम फोन तो कर सकते थे मुझे। सच कहें शिवानी जी, तो लव वाला लेटर देने के बाद, उस सिंदूर का डिबिया वाली बात करने के बाद, हम खुद हिम्मत नहीं कर पाया आपको फोन करने का। लेकिन हम बिना फोन उठाए आपका नंबर इतना बार डायल कर चुका हूं कि फोन पर छपा नंबर तक मिट गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी अच्छी बातें करने के बाद तुम शर्मिंदा क्यों हो जाते हो? हमका तो लगता था कि आपको हमारा अच्छा बातें अच्छा नहीं लगता। त्यागी, ऐसी बातें हर लड़की को अच्छी लगती हैं। तुम उस दिन सच्चे दिल से हमारी दोस्ती को एक नाम देना चाहते थे। अरे अगर कल हमें जिंदगी ने अलग भी कर दिया तो हम दोस्त तो रह सकते हैं ना? हम बहुत ही बेवकूफ आदमी हैं शिवानी जी, पता नहीं हम कब से ऐसी सब बातें सुनने के लिए तरस रहा था। अच्छा मैं आपको बाद में फोन घुमाता हूँ, हमारे ऋषभ भैया अभी अभी आए। ओके बाय बाय। का बात है भैया, कछु बेचैन लगते हैं? सब ठीक तो है ना? शायद त्यागी पूजा घर छोड़कर अकेले रहने चली गई। काय? पता नहीं, आई डोंट नो। आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तूने एक बात नोट की है, जब से वो करण हमारी दुनिया में है, मेरी जिंदगी की तो पूरी तरह धज्जियां उड़ गई, मानो एक ग्रहण सा लग गया हो मेरी दुनिया पर। यार वो मेरे लिए इतना मनहूस साबित हुआ है कि धीरे धीरे मेरी दुनिया मेरे इन हाथों से छूटती जा रही और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसा कब तक चलेगा त्यागी, कब तक? रक्षंदा नाम की एक नई खुशी मेरी दुनिया में आई थी, अब तो लगता है उसका साथ भी छूट जाएगा। उससे मिलने का आजकल वक्त ही नहीं मिलता मुझे, लेकिन मैं जानता हूं इसमें भी कहीं ना कहीं उस करण की ही चाल है। मैं जानता हूं भैया, ये करण आपके साथ जो कर सकता था कर रहा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब पानी सर के ऊपर हो गया है, आप चिंता ना करें।